सानिया सईद, जानते तो हैं आप उन्हें, कितनी अच्छी अदाकार हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, बहुत सारी बातें भी की हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पूरी दुनिया को बदलना चाहती हैं? उनके अंदर एक पैशन है, एक गुस्सा है, एक कर गुजरने की ताकत है। तो फिर आए मिलते हैं सानिया सईद से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये इतनी घबराहट, परेशानी, भाग दौड़, पाँव का चोट लगना और लाहौर में होना और फिर कनाडा में और फिर पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये व्हाट आर यू डूइंग? Frenzy these days. Why are you in Lahore? I am in Lahore for a theatre workshop. Ulomo Polo, jo hamari organization hai. Inka hissa kaise ban gaya? Ye kaun log hai aur ye kya karte hain? Ye bahut mazedar log hai. Haan. Aur bahut mazedar kaam karte hain. Ek theatre festival karne ki koshish kar rahe the. Usme uske liye kuch log aapas mein jud gaye. Ye ex NCA ke log hai. Ex NCA in the sense ki graduates hai. Acha. Aur ये सब मिलकर एक थिएटर फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया खुशकिस्मती से। कुछ बॉन्ड हमारा बहुत मज़ेदार बन गया और वो फेस्टिवल तो नहीं हुआ लेकिन हम और तरह के काम करने लगे। मैं कराची में बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी टॉफी टीवी के साथ मिलके, तो मैंने यहाँ पर भी उनसे कहा कि इस तरह कि हम कोई चीज़ शुरू कर देते हैं और हमने बच्चों को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। एक छोटी सी जगह, एक दोस्त का घर था, वहाँ उसका ऑफिस भी था, एक लंबा सा हॉल खाली था, वहाँ हमने अपना दफ्तर बना लिया, वहाँ हम छोटे छोटे सेशंस करने लगे। वो ही ग्रो होते होते अब इतना बड़ा हो गया कि लाहौर में जो मेरा घर था, मैं अलग रहती थी, कमल अलग रहती थी, इरम अलग रहती थी, विकी अलग रहती थी, अब हम सब एक घर में रहते हैं, हम सबके बच्चे इकट्ठे पलते हैं और हम सब अपना अपना काम भी करते हैं और उलोमो पोलो का काम भी करते हैं। तो हम मुख्तलिफ थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं क्योंकि जब आप थिएटर करने खड़े होते हैं तो एक्टर्स ही नहीं मिलते या कम हैं, एक्टर थिएटर करने के लिए ज़रा कम ही तैयार होते हैं। तो जब हमने थोड़ा सा तलाश किया तो हमें पता चला बहुत लोग थिएटर करना चाहते हैं, बहुत सारे नए लड़के लड़कियाँ हैं, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि इतना थिएटर होता नहीं है, सीखने की भी अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है। टीवी भी हो रहा है, थिएटर भी हो रहा है, ये कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? और चोट भी लग रही है, तो चोट भी साथ साथ चल रही है, ये शूट पे लगी है, वो जो सारी बिल्लियाँ हैं कराची में, हाँ वो भी हैं। ओह गॉड, बिल्लियों का तो इस दफा इतना फियास्को हुआ है बिकॉज बोथ मी एंड शद्दी वर वर्किंग, तो हमको ने अकेला पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने उन्हें अकेला छोड़ा है। तो खाना किसने खिलाया? नहीं, वह हैं, अच्छा हैं लोग टू हमने हायर किए टू लुक आफ्टर देम, बट दिल हर रोज़ पाँच पाँच आठ आठ फ़ोन उनको होते हैं, वो भी हरास्ड फील करते होंगे कि पागल हैं दोनों में, अभी ये इतना फ़ोन करते हैं। अब तो सिर्फ दो हैं, मगर पहले सात थी और बहुत लंबी तवील ज़िंदगी हमने उनके साथ गुजारी, हम बहुत पुराना साथ था हमारा उनका। तो जब वो एक एक करके गए बिकॉज कैंसर वॉज इन द फैमिली, वो एक एक करके जब गए तो 16 साल, 17 साल, 18 साल और 19 साल की जो है वो भी हयात हैं, फिट एंड वेल, और कुछ रेस्क्यू थे कुछ, यू नो। सो वेयर डिड इट स्टार्ट? कराची में पैदा हुए? कराची में पैदा हुई। यू आर द ओनली डॉटर? आई एम द ओनली डॉटर। एंड यू हैव अ ब्रदर? वन ब्रदर, यस। अच्छा, कैसा था? बिकॉज योर फादर इज एन एक्टिविस्ट, वॉज एन एक्टिविस्ट, यस, एंड योर मदर इज अ टीचर, या, और वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, शदीद छोटे बच्चों को, लाइक ढाई से पाँच साल के, और मैं अभी तक सोचती हूँ कि वो किस तरह अभी तक इन बच्चों को पढ़ाती हैं। एंड हर कंसिस्टेंसी एंड हर डेडिकेशन इज जस्ट, इट्स माइंड बॉगलिंग इवन टू मी हू सीन हर ऑल हर लाइफ। लेकिन आई थिंक इतना कमिटमेंट सिर्फ पढ़ाने से नहीं है उनका, आई थिंक वो जिस चीज़ के साथ भी कमिट करते थे दोनों। जब थिएटर शुरू किया तो लोगों को ढूंढते रहते थे काफ़ी अरसे से, हम ख्याल लोग जो उसी तरह की बातें करना चाहते हों, जो सोशल उस वक्त के हालात। माइग्रेट करके कहाँ से आए थे? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए थे और दिल्ली में थिएटर करते थे उस वक्त,
तो यहाँ जब आए तो बिल्कुल एक डेजर्ट सा था थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो काफ़ी अरसा लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे, आप लोगों से भी शायद मुलाकातें हुई. नहीं नहीं, हमने दस्तक, फिर दस्तक आप लोगों ने सब ने मिलकर बनाया, फिर अस्ता मज़र साहब उसमें शामिल हो गए. शीमा किरमानी थी, तहरीक निस्वा भी उस वक्त बहुत एक्टिव था, अजोका यहाँ लाहौर में बहुत एक्टिव था, दस्तक वहाँ कराची में कुछ अपना काम कर रहा था. मज़ेदार बात ये थी कि तीनों अलग, बिल्कुल अलग स्टाइल के थिएटर ग्रुप्स थे और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे. आई एम द एल्डर वन. तो कैसा मामला था, आई वॉन्ट टू नो कि जहाँ इतना कुछ हो रहा हो घर के अंदर, कैसे कैसे लोग आते होंगे, कैसी कैसी डिस्कशन होती होंगी. अमेजिंग. आई डोंट रिमेम्बर. सो अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? अर्लीस्ट मेमोरी है हमारे तारिक रोड वाले घर का वो ड्राइंग रूम, इफ यू रिमेम्बर. यू ऑफ कोर्स यू रिहर्स्ड देयर. वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनता था. इट वॉज अ लॉन्ग हॉल जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ कुशंस थे और गद्दियाँ थीं और दो लंबे गद्दे थे बिकॉज उसमें लोग नहीं समाते थे अदरवाइज. उसमें बस एक बहुत बड़े से सर्कल में बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और बहुत अलग अलग मौजूआत पे डिस्कशंस होते थे. प्लेज भी डिस्कस होते थे, पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, थिएटर का क्या रोल हो सकता है, ये थिएटर हम क्यों करना चाहते हैं, ये ग्रुप हमने क्यों बनाया है, आगे इसको कहाँ लेके जाना है. और तरह तरह के हर उम्र के लोग आते थे उसमें. बहुत सीजन्ड राइटर्स भी थे उसमें, बिल्कुल यंग स्टूडेंट्स भी थे जो कराची यूनिवर्सिटी से आते थे, कोई मेडिकल कॉलेजेस से आते थे जो अब सब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है दस्तक ने, जितने साल भी काम किया उनका. तो हम लोग तो 10 साल के थे, भाई मेरा और भी छोटा था, तो हमारे सिर्फ कानों में बातें पड़ती रहती थी. आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ थी उस सब में जो मैंने सीखी, वो था इतने सारे लोगों का इकट्ठे काम करना, दैट एनर्जी. और मैं बहुत हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि वो जो एनर्जी थी उस ड्राइंग रूम में, छोटे से कमरे में, जहाँ ये सब लोग मिलकर एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन सब के अपने आइडियाज़ थे. दे वर सच ब्रिलियंट माइंड्स. दे वर थिंकिंग, दे वांटेड टू डू थिंग्स, दे वांटेड टू चेंज थिंग्स, दे वांटेड अ बेटर वर्ल्ड. बेसबॉल खेलती थी? मैंने कहा हाँ, मैं बेसबॉल भी खेलती थी अब्बू. तो माई फादर डिडंट नो आई यूज्ड टू प्ले बेसबॉल बिकॉज आई डोंट थिंक आई एवर स्पोक अबाउट इट एट होम. मैं घर जाके कभी बताती नहीं थी कि मैंने स्कूल में क्या किया है. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट पैशनेटली, कमिटेड, डेडिकेटेड. पूरी दुनिया में ये रेवोल्यूशन का आइडिया आया था कि बदल डालें दुनिया. तो अभी रिसेंटली मैंने कनाडा में एक एग्जीबिशन देखी, वो जो उस जमाने की जो हिपी मूवमेंट और उसके बाद वो वियतनाम की वॉर के खिलाफ मूवमेंट सारी. तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, उस पर सारा म्यूजिक एंड माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग टाइम. और मैं जब खड़ी हुई थी ना, मेरे दिल को इतना दुख हुआ और अफसोस हुआ कि इंसान को कितना ज़्यादा अब वो जंग लड़नी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए. वो जितना हम 60s 70s में आए थे उस ज़माने में, इंसानियत में जो एक चेंज आया था, फ्रीडम के लिए काम किया था, क्या बदलना चाहते हैं आप लोग? बहुत कुछ है, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं. से मुराद वो सब लोग जो एक्टिविस्ट हैं, जो सब लोग लाइक योर पेरेंट्स, लाइक माय पेरेंट्स, लाइक ऑल द अदर पीपल जो इस वक्त काम कर रहे हैं. आई थिंक एवरीबडी वांट्स अ मोर जस्ट, अ मोर बैलेंस्ड वर्ल्ड. एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप जो एक्सप्लॉयटेशन से पाक हो हर तरह के. And I know that's a big dream and that seems and sounds absolutely impossible at this given time. Lekin I think it's a dream worth having. If there is a dream that's worth having, it's this. A world where you are living in harmony with nature. So kis kisam ki guftugu hoti thi ghar mein? Har tarah ki, jo us waqt ki regime thi, dictatorship thi, kyun galat hai? उसमें क्या तब्दीली
लाने की ज़रूरत है, किस तरह लाई जाएगी, दुनिया में और क्या पॉलिटिक्स हो रही है, थिएटर क्या रोल प्ले कर सकता है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो माय पेरेंट्स इंसिस्टेड दैट आई इन्वेस्ट माय टाइम इन अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, सो आई वेंट एंड वर्क विद साथी बारड़ा संगत विच वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। तो शरारतें नहीं की, गुड़िया नहीं खेली? नहीं, मेरे पास कोई गुड़िया नहीं थी कभी भी। Really? और कोई शरारत नहीं की, दरख्त नहीं चढ़ी? हाँ नहीं, वो सब हाँ? बहुत किया मैंने, बहुत किया, शरारत बहुत करती थी। तो किस तरह की? इन द सेंस के मैं साइकिल चलाती थी अपनी हाँ. गली में, हमारी तारिक रोड वाला घर हाँ. आपको अगर याद हो तो बाहर बड़ी सी चौड़ी सी गली थी और उसमें सारे मोहल्ले के बच्चे साइकिल चलाया करते थे और मैं भी चलाती थी और उसी में जो बच्चों के खेल कूद होते थे, किसी के भी घर में घुस जाते थे, वो अच्छे वक्त थे, किसी के भी घर में घुस के चुप जाते थे। व्हाट आई हैव सीन ऑफ यू, आई थिंक यू हैव अ मोर ऑफ अ बॉय साइड, आई डोंट नो टॉमबॉय ने कहना चाहिए या नहीं, बट एक वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो गोटे किनारी वाली वो भी है, आई थिंक हाँ बहुत ज़्यादा है, मगर मेरी दो एक्सट्रीम वेरी फेमिनिन, आई थिंक आई एम वेरी, या ये नहीं होती शायद, या होती है कोई चीज़ मुझे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हाँ मुझे नहीं है इसकी कोई समझ, ये कांस्टेंटली, आई थिंक आई हाँ, है ना, यू आर कांस्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन टू द अदर, इट डिपेंड्स व्हाट साइड इज स्ट्रॉन्गर टुडे, हाँ, तो लाइक आई हैव, आई थिंक मेरे ख्याल में मेरी उम्र के लोगों में आए जिनको मैं जानती हूँ उनमें सबसे बड़ा बैंगल कलेक्शन मेरे पास है, सबसे बड़ा ज्वेलरी कलेक्शन भी मेरे पास है, लेकिन आप मुझे कभी पहने शायद ही आपने कभी देखा, बिकॉज वो सब करना मेरे लिए टायरिंग है, मुझे शौक बहुत है, आपको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, यू मेक ऑल दिस एफर्ट, आई कांट डू बट गेम्स क्या खेलते थे आप लोग? आर यू क्लोज टू योर ब्रदर? वेरी, एंड ही इज एंड ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मैं उसके साथ, मुझे क्रिकेट की कोई समझ नहीं है और कोई शौक भी नहीं है। तो किस चीज़ की है, ताश की समझ है? नहीं, किस कोई ऐसे बोर्ड गेम्स की? नहीं, मुझे आइस भी नहीं खेली, नहीं। वो सिर्फ साइकिलिंग साइकिलिंग करती थी और मुझे फिगर स्केटिंग बहुत पसंद है। अच्छा, बट डोंट आस्क मी कि कौन जीता है साल, आई डोंट नो, कुडंट सी इट, बट वो मैं बहुत शौक से देखा करती थी और वो मैं अम्मी अब्बू के साथ, क्योंकि टेलीविजन पे आता था उस जमाने में, पीटीवी पे, एंड पूरी चैम्पियनशिप दिखाते थे, आई रियली लाइक्ड इट, तो मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड थी। बेसबॉल खेलती थी स्कूल में, बल्कि कुछ अरसे पहले मेरे अब्बू की कॉलीग थी, शी वॉज़ माई क्लास फेलो, तो वो मुझे अभी तक कैप्टन कहती है, कैप्टन ने मुझे बेसबॉल खेलनी सिखाई, तो मैं फादर एक बार तुम बेसबॉल खेलती थी, मैंने कहा हाँ मैं बेसबॉल भी खेलती थी अब्बू, तो माई फादर डिडंट नो आई यूज टू प्ले बेसबॉल बिकॉज आई डोंट थिंक आई एवर स्पोक अबाउट इट एट होम, मैं घर जाके कभी बताती नहीं थी कि मैंने स्कूल में क्या किया है। Did you ever write as a young girl? I translated a lot of books. बच्चों की बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट करती थी मैं, उस ज़माने में बहुत सारी रशियन कहानियाँ किताबें बच्चों की आती थी जो उर्दू में अवेलेबल नहीं थी, और जिन बच्चों के साथ मैं काम करती थी और जो हम अलग अलग इलाकों में जाकर वॉलंटरली बच्चों को पढ़ाते भी थे, उनके राइट्स के बारे में डिस्कशंस भी होते थे, छोटे छोटे प्लेज भी करते थे, तो उसमें हम जब भी कहानी सुनाना चाहते थे तो हमारी उर्दू की जो कहानियाँ थीं वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती थीं और वो कोई नई बात नहीं करती थीं, वो बहुत मज़ेदार नहीं होती थीं, क्योंकि हम पुरानी ही कहानियाँ सुना रहे थे उनको, तो जो ये रूसी कहानियाँ होती थीं और जो अंग्रेज़ी की कहानियाँ होती थीं मैं उन्हें ट्रांसलेट करती थी अपने दोस्तों के लिए और फिर मैं उनको सुनाती थी वो कहानियाँ। और थिएटर तो, बच्चों को था कि बच्चों ने कोई थिएटर प्रेजेंटेशन बनानी है आज गर्मियों की छुट्टियों में? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन ऐसा गुजरा, हाँ, कि हम सारे मिलकर कजन्स को एक थिएटर की प्रोडक्शन करते घर थे, में सारे बड़े बैठ के देखते थे। अरे हाँ, वो तो नहीं हम करते थे, लेकिन हाँ जब भी कोई रिहर्सल्स होती थी तो आई रिमेम्बर कि हम सब रिहर्सल्स में जाते थे, चाहे हम उस प्ले में हैं या नहीं, okay. क्योंकि उस ज़माने में कोई बच्चा चाहिए होता था प्ले में तो कोई अपना बच्चा तो देता नहीं था कौन भेजेगा ऐसे कामों के लिए, तो हम ही होते थे, हम ही खड़ा कर देते थे हर जगह, मगर हम हर रिहर्सल में होते थे चाहे हम प्ले में हैं या नहीं, तो हम होमवर्क भी वहीं कर रहे होते थे, भाई को मेरी आदत थी वो काम करते करते के बीच में बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था हवा में, और कैच करके कमेंट्री करके फिर अपना काम करने बैठ जाता था, तो ऑल दिस वाज हैपनिंग व्हाइल द रिहर्सल वाज आल्सो हैपनिंग। कभी ऐसा नहीं होता जब आप बहुत सारा एक्टिविज्म देखें
या थिएटर देखें या फिल्म या टेलीविजन के एक्टर्स हों, तो फिर बच्चे नहीं करना चाहते वो, या डॉक्टर हों फैमिली में, दे वांट टू डू समथिंग एल्स. तो व्हेन डिड यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली व्हाट योर पेरेंट्स आर ऑल अबाउट? आई डिडंट नो. आई डोंट थिंक आई डिडंट गेट द टाइम टू रियलाइज इट जस्ट हैपेंड. बिकॉज़ यू स्टडीड साइकोलॉजी. आई स्टडीड साइकोलॉजी, यस. तो वो क्यों पढ़ी थी? थिएटर क्यों नहीं पढ़ा? और उस वक्त थिएटर पढ़ने की कोई जगह अच्छा. नहीं थी पाकिस्तान में. अमेरिका जाना और ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. और सिर्फ जो सबसे करीबी मुल्क था वो हिंदुस्तान था, वहाँ आप जा ही नहीं सकते थे पढ़ने के लिए उस वक्त. आजकल फिर नहीं जा सकते हैं. हाँ. तो वो भी नहीं हो पाया. लेकिन चूँकि मैं बच्चों के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, थिएटर बिकेम लाइक अ नेचुरल एक्सप्रेशन फॉर मी. एंड आई वॉज अ वेरी एंग्री चाइल्ड, एंग्री एट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक बींग अ गर्ल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दैट. एंड द काइंड ऑफ डिसबैलेंस यू फील इन बिहेवियर इन द सोसाइटी बींग अ गर्ल एट दैट एज. तो थिएटर बिकेम लाइक अ नेचुरल एक्सप्रेशन. फिर दोस्त जुड़ते गए, ग्रुप्स बनते गए, अलग अलग जगहों पे जाके मुझे लगा बहुत, मैं बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकती हूँ थ्रू प्लेज. और व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, कहाँ लगा कि ख़ास मर्द के लिए जगह बन जाती है और औरत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? अच्छा, मुझे ना ये क्या था, मतलब महसूस हुआ था? महसूस इसलिए हुआ था कि बिकॉज़ आई वांट टू नो कि ये गुस्सा कहाँ से शुरू हुआ. मैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में पल रही थी, तो मेरे लिए वो देखना किसी और के साथ बहुत तकलीफ देह चीज़ हाँ. थी. और जब हमारी कुछ ख़वातीन मिलकर बैठती थीं हमारे ही घर में, इस बारे में गुफ्तगु होती थी कि वो फैक्ट्री वर्कर्स थीं. एंड आई रिमेंबर के बात ये हो रही थी कि फैक्ट्री वर्कर्स ख़वातीन को बहुत कम पैसे मिलते हाँ. हैं एज़ कम्पेयर टू मेल वर्कर्स. एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो उनके बच्चे भी उनके साथ थे. एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्यों इस औरत हाँ. को कम पैसे मिलने चाहिए. और आज तक मुझे है ये प्रॉब्लम कि सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी कोई पर्टिकुलर जेंडर है या कोई पर्टिकुलर नेशनैलिटी है या पर्टिकुलर रिलीजन है, उसको आप उसके साथ आप प्रेजुडिस के साथ पेश आए, मुझे इससे प्रॉब्लम है. किसी भी इंसान के साथ, कोई भी दूसरा इंसान प्रेजुडिस के साथ पेश आए, मुझे इससे प्रॉब्लम है. बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी डिजर्व्स दैट. मेरे लिए जेन्युइनली आप जानवर के साथ भी प्रेजुडिस से पेश आए, मुझे इससे प्रॉब्लम है. बिकॉज को हम में से किसी को ये राइट नहीं है, किसी इंसान को ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ इम्तियाजी सलूक करे, डिफ्रेंशिएट करे. तो एज अ, और मुझे बात समझ में नहीं आ, मुझे बात समझ में ही नहीं आती. एक दिन मैंने कहा अब उसे कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं क्या करूं इस गुस्से का, बिकॉज ये मतलब परेशानी की हद तक मुझे गुस्सा आता था. तब्बू, तो मैं कैसे बदलूं इसको? तब्बू ने कहा नहीं बच्चों, नहीं आप, तुम गुस्सा क्यों बदलना चाहती हो अपना, यू नो. तो लेकिन ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये अब इतना हम इतना कुछ आगे आ गया. हाँ, और हम अभी भी वहीं हैं, हम वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े और हम उसी तरह की बातें करते हैं और हमारे उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं और उसी तरह के प्रेजुडिसेस हैं. जब दुनिया इतना जुड़ गई है, आप इतनी बातें करते हैं, डिजिटल मीडिया हाँ. आपका इतना कॉमन हो गया है, इतने आपके पास अब ओपन फोरम्स हैं जहाँ पे आप खुलकर बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ये यही जहर उगल रहे होते हैं, यही इसी तरह का फ्री फ्लोटिंग एंगर है अगेंस्ट पीपल, अगेंस्ट नेशनैलिटीज, अगेंस्ट रेसेस, अगेंस्ट रिलीजन्स, अगेंस्ट जेंडर्स. तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बिकॉज यू आर सो अवेयर एंड यू आर सो एंग्री ऑल्सो, कभी ऐसा नहीं होता कि ये काम के रास्ते में आता है ये एंगर? आई थिंक मुझे मोटिवेट करता है एवरी डे, वरना मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है हाँ. उठकर इतना, जिस तरह से हम काम करते हैं और जितना ये स्ट्रगल है और जितना ये डिफ़िकल्ट है काम,
हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए टू गेट अप एवरी डे एंड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगैन एंड डू ऑल दैट यू नो पुट अप दैट फाइट एवरी डे ऑल ओवर अगैन. सो वो एंगर है अभी भी या एंगर की शक्ल मुख्तलिफ हो गई? आई थिंक शक्ल अब ज़ाहिर है एज के साथ थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व भी होती है. आई थिंक शक्ल बदल गई है लेकिन मेरा गुस्सा अब्बू ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी मुझे कि आई डोंट नो मुझे इसलिए वो हमें बहुत मैं जो हूँ या मैं जो बन गई हूँ मैं उसका कोई बहुत खास क्रेडिट इसलिए नहीं लेती बिकॉज आई वॉज जस्ट बॉर्न टू आबिदान मंजूर सईद एंड यू नो आई हैव जस्ट बिकम वॉट एवर आई हैव बिकम बिकॉज आई वॉज देयर डॉटर एंड आई हैड ऑल दैट अपॉर्चुनिटी देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी. मगर अब्बू ने मुझे और मुझे नहीं पता कि कौन बाप अपने बच्चों को इस तरह कहता होगा ख़ास तौर पर बेटी को. एक दिन मैंने कहा अब्बू से कि मुझे बहुत बहुत गु़स्सा आता है मुझे बहुत गु़स्सा आता है और मैं क्या करूँ इस गुस्से का बिकॉज ये मतलब परेशानी की हद तक मुझे गुस्सा आता था. तो अब्बू तो मैं कैसे बदलूँ इसको? तो अब्बू ने कहा नहीं बच्चों नहीं आप तुम गुस्सा क्यों बदलना चाहते हो अपना तुम्हारा गुस्सा ही तो तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ है इसे बदलो मत इसे इस्तेमाल करो यूज इट. वेल सेड. सो आई ऑल एवरी टाइम आई स्टार्ट फीलिंग एंग्री आई स्टार्ट थिंकिंग ओके हाउ कैन आई यूज दिस वेयर कैन आई यूज इट. अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मेरी हाथ मेरी उंगलियाँ नम हो गई हैं बट इट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर मी बिकॉज कुछ अब मेरे अब आजकल जिस तरह के चल रहे हैं इशूज़ वो मुझे अब मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया तो क्योंकि कोई चीज़ सीधी हो नहीं रही है ना. हाँ उसी पावर सबके पास है. मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है नाम शो कि हमें 70 साल हो गए और हमने अपने पिनल कोड्स को ही नहीं बदला अपनी अपने लॉ को नहीं चेंज किया अपनी पुलिस की जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको नहीं लॉज को चेंज किया है फॉर द नेगेटिव. हाँ लॉज तो चेंज कर रहे हैं खराब करते जा रहे हैं. 1860 में या 1856 में या 1858 में जो बना था वो लॉ उस वक्त के हाकिम के लिए था. बिल्कुल अब हम डेमोक्रेसी हैं. हाँ. और हम नहीं बदलेंगे नहीं. क्योंकि ये सूट करता है इस ब्राउन साहब को. तो मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता है कि ब्राउन साहब तो नहीं होना था ये तो पब्लिक सर्वेंट था. हाँ. ये सी तो ब्राउन साहब आ गया पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा. बिल्कुल उसने तो हमारा ख्याल रखना था उसने तो हम पे हुकूमत नहीं करनी थी तो हम पे हुकूमत करता चला गया वो और 70 साल से हम अभी भी कर रहे हैं और हालात यहाँ तक आ गए कि अब हमारी 6 साल और 60 साल की बच्चियाँ सेफ नहीं हैं हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं. हमें नहीं पता कि जो शख्स आपको नज़र आया है नेबरहुड में उसके दिमाग में क्या हो रहा है. हमारे पास वो पावर नहीं है. सो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एंग्री एब्सोल्युटली एंड योर एंगर इज जस्टिफाइड एंड बट आई एम ग्लैड योर फादर टोल्ड यू कि इसको इस्तेमाल करो. हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों को कहा जाता है कि गुस्सा मत करो लड़कियाँ गुस्सा नहीं करती बिकॉज गुस्सा इज़ अ बिग फोर्स और इसको बहुत कर्टेल किया जाता है ख़ासतौर पर ख़वातीन में. लेकिन आई थिंक जायज़ गुस्सा यू नो गैलीलियो का एक डायलॉग था कि वो किसानों के बारे में कहता है जो राहब जो उनका स्टूडेंट होता है वो कहता है कि अगर मेरे वालदैन जो किसान हैं अगर वो सब्र ना करें तो वो क्या करें क्योंकि वो आसमान की तरफ देखते हैं उसकी रहमत के लिए जब वो बीज बो देते हैं तो बस आसमान की तरफ देखते हैं उसकी रहमत के लिए तो अगर वो सब्र ना करें सिर्फ तो वो क्या करें. तो गैलीलियो कहता है कि उनका मुकद्दस सब्र तो मैं देख ही रहा हूँ लेकिन कहाँ है उनका मुकद्दस गुस्सा. ये गुस्सा जो ज़्यादती और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ है मुकद्दस है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. सो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एब्सोल्युटली किस सही मानों में एब्सोल्युटली आज आपके यहाँ जो भी ज़रा सा भी काम करने के लिए खड़ा होता है आप उसे किसी मुल्क का एजेंट बना देते हैं. ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कत्ल करवा देते हैं. ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कोई और हीनियस इल्ज़ाम लगा के आप उसे सड़क पे घसीट के मार देते हैं. कैन यू इमेजिन
कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं. आपको आप सिर्फ सोचें कि एक आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ईमानदारी की, सच्चाई की, अच्छाई की सज़ा भुगतते हैं लोग. आपको खौफ से नींद कैसे आती है रात को? आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपके बच्चे सेफ नहीं हैं, जहाँ वो लोग जिनके ऊपर आपके टैक्स का पैसा, आपकी कमाई का पैसा पानी की तरह सर्फ किया जाता है उनकी फजूलियात पे जो उन्होंने अर्न भी नहीं की, ज़बरदस्ती आप उनको वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, आप उनको वो इज्जतें देते हैं जिसके वो हकदार भी नहीं हैं. और आपके वो इदारे जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होने चाहिए, वो आपको कर्ब करने के लिए, आपको आपके आपके साथ जुल्म और ज्यादती करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. हम कैसे बदलेंगे ये सब? बदलेंगे, बदलना तो मजबूरी है, बदलेंगे तो सही. रॉकेट साइंस नहीं है, व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना, नहीं करना दुनिया में लोगों ने किया है. बिल्कुल, बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं. और सबसे मुश्किल बात पता है क्या? समाज बदला है. हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, हम दुनिया की हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते. दुनिया के दूसरे ममालिक इस दौर से गुजरे हैं, हम नहीं सीखते, हम नहीं सीखना चाहते. लेकिन बदलना इज नॉट एन ऑप्शन. बदलना तो हमें है ही, बदलेंगे तो हम सही. वक्त कितना लगेगा, क्या कीमत हम अदा करेंगे, कितनी कीमत हम अदा करेंगे, ये एक सवाल है. और हम बहुत भारी कीमत अदा करेंगे इस तब्दीली की, मगर तब्दील तो हमने होना है, क्योंकि तब्दीली इज नॉट एन ऑप्शन. वो तो आनी ही है, बिकॉज वक्त जो है, वक्त. एंड आई थिंक जुल्म जब बढ़ने लगता है ना, ज्यादती, जुल्म, इग्नोरेंस जब बढ़ने लगता है, तो वो खुद ही अपनी मौत की तरफ जाना शुरू हो जाता है. कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए एक्टिविस्ट होना? आई थिंक क्योंकि एक्टर्स आर प्लेइंग पीपल. आप अपनी सोसाइटी ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना. जैसे राइटर्स का पॉलिटिकली अवेयर होना, पॉलिटिकली एक्टिव होना, और पॉलिटिकली से मेरी मुराद पॉलिटिक्स में सब ऐसे हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक. पॉलिटिक्स से मेरी मुराद है कि रेलेवेंट कहानियाँ. अभी आप, मैं कभी इंटरव्यू दे देती हूँ गलती से, तो ख़ास तौर पर जो हमारे उर्दू के लिखने वाले हैं, बेचारा बहुत प्यारा सा लड़का है वो, लेकिन जब ये लिखते हैं, अभी रिसेंट इंटरव्यू एक दिया मैंने, तो उसमें वो लिखते हैं कि ड्रामा, और ये मेरी लैंग्वेज ही नहीं है, बट वो कहते हैं ड्रामा माशरे की इस्लाह के लिए ड्रामा. ये मेरी टर्मिनोलॉजी ही नहीं है. माशरे की इस्लाह विस्लाह का मसला नहीं है. मसला ये है कि ड्रामा, लिटरेचर, म्यूज़िक क्या सोसाइटी के साथ मेल खा रहा है इस वक्त? क्या वो सोसाइटी की बात कर रहा है? क्या वो सोसाइटी को प्रोग्रेशन की तरफ ले जाने का हिस्सा है, इंगेज करने का हिस्सा है, मोटिवेट करने का हिस्सा है? क्या वो एक स्टिम्युलस का काम कर रहा है, या वो अफीम का काम कर रहा है? दोनों काम कर सकता है, और दोनों काम बड़े अच्छे कर सकता है. इस वक्त जो हम ड्रामा कर रहे हैं, टेलीविज़न की बात कर रही हूँ, थिएटर तो फिर भी अभी भी ऐसे लोगों के हाथ में है जो सोच समझ के काम कर रहे हैं ज़्यादातर. गुस्से के दरमियान संजय को मोहब्बत कैसी हुई? पता नहीं, वो भी नहीं पता चला मुझे. वो भी आई थिंक बस एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी. एंड टेलीविजन, फिल्म, म्यूजिक, सब अफीम का काम कर रहे हैं, अफीम की गोलियां खा रहे हैं हम सब, टेलीविजन इन पर्टिकुलर. क्योंकि एक्चुअली हमें समझ में नहीं आई कि जो डिक्टेटर है उसका काम है कि वो उस कौम को सुला दे, लेकिन डेमोक्रेसी का काम है कि वो इंसान को जगा दे, आवाम को जगाना. हम अभी तक अपने डिक्टेटर, कॉन्स्टेंट डिक्टेटरशिप की जो स्टेट पे हम रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकले. क्योंकि एक्चुअली मज़ेदार बात यह है कि जो माइंड उन डिक्टेटर्स ने क्रिएट किए थे, उस डिक्टेटर ने क्रिएट किए थे, वो तो बड़े अब हुए, तो उसका दौर तो अब शुरू हुआ है. उस डिक्टेटर का दौर तो अब है, क्योंकि वो पावर में है, क्योंकि वो सब लोग पावर में, जो सब बच्चे थे, जो उन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने वो टीवी देखा है, जिन्होंने वो बातें सुनी हैं, वो सब लोग हैं. उसका दौर तो अब है. इसीलिए बंदे को मत मारो, आइडियाज को मारो. बंदा मारने से क्या होता है?
उसने अपने जैसे इतने सारे खड़े कर दिए, घर घर में एक डिक्टेटर है अब। तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? निकलेंगे विथ टाइम, काम करते रहने से। लेकिन हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारे राइटर्स हैं, जैसे हमारे पोएट्स हैं, जैसे हमारे नेटवर्क्स हैं, इनको कब समझ आएगी कि कितना बड़ी जिम्मेदारी है उनके हाथों में? आई थिंक समझते भी हैं वो, उनके अपने बहुत संजीदा और गंभीर किस्म के स्ट्रगल हैं और वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लिखने वाला लिख नहीं रहा। आई थिंक अभी हम को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो मैस मीडियम है वो इन लोगों को नहीं अकोमोडेट कर रहा, वो इन आवाज़ों को अकोमोडेट नहीं कर रहा, वो अभी ये बातें नहीं समझ रहा। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उम्मीद है वो है डिजिटल मीडिया। यहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंटली काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेट पे मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेट पे लिखते हैं, किताब नहीं छपवा सकते हैं, या किताब की तशहीर नहीं की जा सकती है, या किताब की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा सकती है, लेकिन नेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। तो एक डिस्कशन तो है, चल तो रहा है, सुनने में तो आ रहा है। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में आप वो तो करें, नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करें, नई चीज़ें करने की कोशिश करें, ज़्यादा लोग जुड़ें आपस में, इंडिविजुअली काम करने की कोशिश ना करें, ईगोज़ को कंट्रोल में कर रखें, ईगोज़ को लगाम डालें। या बिकॉज हर डिफरेंट मूवमेंट जो हर वक्त छोटी 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 जो बन जाती हैं, इससे बेहतर है कि एक ही हो ताकि आवाज़ तो बड़ी आवाज़ तो पैदा हो, बड़ी आवाज़ गूंजदार आवाज़ पैदा। मसला ये है कि आपके ऊपर जबर करने वाले आपस में जुड़ जाते हैं, आप लड़ने वाले आपस में नहीं जुड़ पाते। तो इस सारे एक्टिविज्म के दरमियान और गुस्से के दरमियान संजय को मोहब्बत कैसे हुई? पता नहीं, वो भी नहीं पता चला मुझे। वो भी आई थिंक बस एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी। एंड आई थिंक मोहब्बत आई डिडंट रिकॉग्नाइज, बट दोस्ती बहुत, आई थिंक एंड दैट इज समथिंग दैट डोमिनेट्स द रिलेशनशिप इवन टुडे। तो दोस्ती मेरे लिए थिएटर साथ करते थे, थिएटर साथ करते थे। तो बस वी एक्चुअली ग्रू अप टुगेदर ऑल्सो इन सम वेज, फैमिली टाइज भी थे हमारे। शाहिद के नाना और शाहिद के मामू और मेरे नाना वर जर्नलिस्ट, तो उनकी दोस्ती थी। फिर मेरे अब्बू की और शाहिद के बड़े भाई की दोस्ती थी। मैं और शाहिद एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, फिर शाहिद दस्तक में भी काम करता था। तो हमने इकट्ठी कथा बनाई, हमने थिएटर किया साथ बहुत। तो दोस्ती कब पता चला कि ये दोस्ती जो है ये शादी में मुंतकिल हो जाए? याद नहीं है एक्चुअली, ये मुझे याद नहीं है ये, लेकिन कि हम कब, मैं कह सकूंगी क्या ज़रूरी है औरत के लिए शादी करना? नहीं, और बच्चे बनाना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कब आज़ाद होंगे? ये जो हमें दिए गए हैं रोल्स के औरत ने इस तरह लगना है और इस तरह सोचना है और इस तरह जीना है। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है ना। हाँ हाँ, बट आई थिंक औरतें बहुत तब्दील हो रही हैं। बहुत छोटी छोटी जगहों पे जो आपको तब्दीलियाँ नज़र आती हैं उनमें की रोल औरतों का होता है। इसीलिए शायद औरतों की तब्दीली को इतना कर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ भी औरत तब्दील होती है वहाँ बहुत बेसिक लेवल के ऊपर तब्दीली आती है, रवैयों में तब्दीली आती है, बच्चे बदल जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बदल जाती हैं। तो आई थिंक औरतें बहुत तब्दील हो रही हैं। कब आपने सुना था कि औरतें जहाज़ उड़ाएंगी, या मोटरसाइकिल पे अक्रॉस पाकिस्तान जाएंगी, या क्रिकेट टीम होगी आपकी, या एक औरत होगी जो दीवानों की तरह सारे शहर से ट्रैश जमा करेगी और उसके घर बना लेगी? ये सब औरतें हैं ना। आपने कहाँ सुना था कि कोई औरतें इतना किसी के लिए ख़तरा बन जाएंगी और कोई इतना डर जाएगा दो निहत्ती औरतों से कि उनको शूट करके मार दिया जाएगा, सबीन और परवीन को? किसने सुना था, किसने सोचा था? तो ये औरतें पावरफुल तो हो रही हैं,
और सवाल कर रही हैं और तब्दीली ला रही हैं, और तब्दीली से वो लोग ज़ाहिर है घबराते हैं, डरते हैं, जिनका इंटरेस्ट ये है कि चीज़ें वैसे ही रहें, वैसे ही बोसीदा हाल रहें जैसी कि वो हैं। ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पोजीशंस एकेडमिकली ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ हो रही हैं, जॉब्स में आप ज़्यादा लड़कियों को देख रहे हैं, आप बहुत रिमोट इलाके की भी लड़कियों को देख रहे हैं। जब हम कोई वर्कशॉप्स वगैरह के लिए भी जाते हैं उसमें बहुत ख़वातीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने अभी एक पूरा टॉक शो किया जिसमें ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स थीं जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए हैं और कैसे उनकी तब्दील होने से उनके घराने, उनके इलाके, उनकी इर्द गिर्द की औरतों की ज़िंदगियाँ। मैं बिलीव करती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि अगर औरत इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएगी उसका सारा घराना एम्पावर हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे ना एक औरत को अगर आपने तालीम दे दी तो आपने पूरी नस्ल को तालीम Absolutely. दे दी। आई एग्री विद दैट। तो इसी तरह एक औरत को अगर आपने इकोनॉमिकली एम्पावर कर दिया तो आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन को एम्पावर कर। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो जो आप शादी वाली बात भी आप पूछ रही थी, वो भी आई थिंक शादी एज एन इंस्टीट्यूशन तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स रियली, लेकिन जिस चीज़ की हर इंसान को ज़रूरत है, मर्द औरत या किसी भी और जेंडर के इंसान को ज़रूरत है, वो है दोस्ती, कंपेनियनशिप और मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़। इसकी ज़रूरत है, वो कम्फर्ट, वो सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत है और हर इंसान को ज़रूरत है। मैरिज उसका एक एज ओल्ड फॉर्मूला है, बट इफ़ इट डजंट वर्क एंड इफ अगर वो आपको ये सब कुछ नहीं दे रहा तो फिर उसका क्या काम है। मजबूरी का तो कोई रिश्ता किसी इंसान को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे थे कभी आपको समझ आई कि मर्द वायलेंट क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि एक वायलेंट जीन है इंसान के डीएनए में। इज इट ट्रू? क्यों है वायलेंट जीन? उसको हम निकाल क्यों नहीं पाए इतने हजार साल में? इट्स फेड। द वायलेंट जीन इज फेड रेगुलरली थ्रू सोशल बिहेवियर। आपने उसको रोल दिया हुआ है ऑफ द प्रोटेक्टर, ऑफ द बेटर जेंडर, ऑफ आपने एक पाँच साल का बच्चा भी अपनी दस साल की बहन को ऑर्डर अराउंड कर सकता है क्योंकि उसने अपने इन्वायरमेंट से ये सीखा है कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि वो भाई है, आदमी है। उस बच्चे को भी इसका पता है कि ये मेरा जेंडर रोल है, विच सरप्राइजेज मी नो एंड, बिकॉज उसको तो अपनी तरह ग्रो करना चाहिए। आप हर वक्त उसको सिखाते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अल्लाह मियाँ से प्यार करता हूँ मैं, प्यार करते हैं ना आप अल्लाह मियाँ से, तो आप कैसे उसकी दुनिया के बारे में जानना नहीं चाहते? कैसे आप उसके और लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते? कैसे आप वो वक्त जो उसके लोगों ने गुजारा आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते? अलग अलग तरीके से आप उसको ही कहते शायद नहीं है, लेकिन आप किचन में कितने बच्चों से काम कराते हैं, आप कितने बच्चे हैं घर में लड़के जो टेबल लगाते हैं और उठाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं या कपड़े धोते हैं या कपड़े फैलाने में माँ की मदद करते हैं, उतार के तय करने में माँ की मदद करते हैं, ये सब काम आप लड़कियों से करवाते हैं। और वो बच्चा ही देख रहा होता है, वो बच्ची भी जो छोटी, उससे भी छोटी बहन है वो भी ये देख रही होती है, वो इनवेरिएबली वो करना शुरू कर देती है जो उसकी बड़ी बहन कर रही है। आपने सोशल बिहेवियर से इसको इट्स ऑल राइट बना दिया है। आप यही पढ़ाते हैं सिलेबस में भी, तस्वीरें इतनी स्टेरियोटाइप तस्वीरें, इतनी स्टेरियोटाइप तस्वीरें, आप छोटे छोटे सबक जो सबक आप पढ़ाते हैं इतने स्टेरियोटाइप, इतना जेंडर बायस। फिर अभी जैसे ये जितने आप हरासमेंट के और अब्यूज़ के केसेस देखते हैं, पहला रिएक्शन क्या होता है, वो बाहर क्यों निकली? ये किसने इनको बता दिया है कि पब्लिक डोमेन जो है वो इनके बाप की जागीर है, ये दुनिया इनके लिए बनाई गई है? किसने बताया आदमी को? ये किसने सिखाया है इनको कि वो बता सकते हैं किसी जी होश अडल्ट को कि वो कैसे ड्रेस करे या वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, उसका बिहेवियर
अगर वो सोशली डिसरप्टिव नहीं है, जो कि आदमियों का ज़्यादा है औरतों के मुकाबले में हमारे कल्चर में, तो सड़क पे चलना औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का. एब्सोल्युटली. बाजार जाना औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का. मतलब ये बात भी करना कितना फनी लग रहा है 21वीं सदी में ना. ये लगता है कि हम कहाँ, शायद अभी हम किसी गार में से निकल कर आए हों, तो चलो ये बात आप गार में भी जब खैर हम रहते थे तो हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे इससे. जेंडर वाइज हमारे हम इससे ज़्यादा आज़ाद थे जेंडर वाइज. तो हम तालीम आप नहीं देते, हेल्थ आप नहीं देते. अभी तो ये तो हम मतलब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं. अभी तो हम औरत को इंसान समझने के लेवल से भी नीचे जा चुके हैं. मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे हैं अभी तक वो लोग इस माइंडसेट के जिन्होंने कहा कि हम मेल डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे अपनी औरत को. वो मर गई वो औरत, मगर उन्होंने एक मेल डॉक्टर को नहीं दिखाया उसे जलजले में. मगर ये क्या, मगर ये कौन लोग हैं? ये ऑनर का जो ये आइडिया है कि मेरा वजूद मेरी मिल्कियत है, मेरा वजूद किसी और की मिल्कियत कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली. और तुम्हारे ऑनर के जिम्मेदार मैं कैसे? Yes. तुम अपने अमाल के लिए जिम्मेदार हो, मैं अपने अमाल के लिए जिम्मेदार हूँ. मैं अडल्ट हूँ, जहन मेरा काम करता है. तुम मेरे अमाल के लिए, मैं तुम्हारे अमाल के लिए कैसे जिम्मेदार हो गई? हम एक दूसरे के कंपेनियंस तो हो सकते हैं, बहन भाई अगर हैं, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, पेरेंट और चाइल्ड हैं, अडल्ट्स. हम कंपेनियंस तो हो सकते हैं, हम एक दूसरे को बेहतर होने में मदद तो कर सकते हैं, हम एक दूसरे के एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को सपोर्ट तो कर सकते हैं, मगर मैं तुम्हारा ऑनर कैसे हूँ ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें डिफेंड तो करूँगी. तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे डिफेंड करोगे. बट इसमें जेंडर का क्या रोल है? इसमें मर्द औरत का क्या सवाल है? मैं आपको, आप मुझे डिफेंड नहीं करती. कहे आपको कोई जरा मैं, है ना? बिल्कुल नहीं करेंगे. इसमें जेंडर का क्या रोल है? इंसानियत का रोल है ना, इंसानियत का सवाल है इसमें. मर्द सडनली हर चीज से ऊपर मेरा मर्द होना कैसे आ जाता है, या मेरा औरत होना कैसे आ जाता है? क्योंकि आप उनको बचपन से ये सिखाते हैं. आप उन्हें पहले इंसान होना नहीं बताते. आपका माशा उन्हें पहले इंसान होने की अप्रिसिएशन नहीं देता. सो जो हमने इतना पढ़ा है, हमारे पास बहुत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदरसे भी हैं, उसमें हम पढ़ते हैं. दुनिया भर के रिलीजन्स पढ़ते हैं, दुनिया भर की किताबें आती हैं. कहाँ दुनिया भर के रिलीजन्स पढ़ते हैं? अगर आप किसी और कोई और दुनिया का रिलीजन पढ़ाने की कोशिश करें, बच्चों को पथराव करते हैं स्कूल पे आके. माँ बाप आ जाते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चों को दूसरा रिलीजन ना पढ़ाएं, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट योर ओन रिलीजन ऑल्सो. क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम तो दरूद और सलाम भेजते हैं पूरी दुनिया के. और हम किसी रिलीजन को एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है. आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ से आए, आप ऐसे क्यों हो गए? अगर आप एक रिलीजियस इंसान भी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जब भी आप किसी चीज़, चाहे वो रिलीजन ही क्यों ना हो, चाहे वो फेथ ही क्यों ना हो, जब आप उसकी अंधाधुंध तलकीन करेंगे और अंधाधुंध तकलीद करेंगे तो खराबी तो पैदा होगी. क्योंकि आप सोच समझ के फैसला तो नहीं कर रहे. ये कितनी अजीब सी बात है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अल्लाह मियाँ से प्यार करता हूँ, मैं प्यार करते हैं ना आप अल्लाह मियाँ से, तो आप कैसे उसकी दुनिया के बारे में जानना नहीं चाहते? कैसे आप उसके और लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते? कैसे आप वो वक्त जो उसके लोगों ने गुजारा आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते? आप कोई और रिलीजन पढ़ेंगे तो आप किसी और रिलीजन के हो जाएंगे. ये खौफ कैसे है आपको? इतने इनसिक्योर क्यों हैं आप? क्योंकि आप जब आप कोई और कल्चर पढ़ेंगे तो आप किसी और कल्चर जैसे हो जाएंगे. ये खौफ क्यों है आपको? अभी उन साहब ने कहा कि जी ये मीडिया ने जो इतना हिजान पैदा कर दिया है जज्बात में, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये सेक्सुअल अब्यूज के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं. हेलो, आधी दुनिया देख रही है जिनके पास टीवी है, आधी दुनिया ही के पास है हमारे मुल्क में.
कितने लोग हैं जुट के ये हरकत करते हैं? कानून आपका उनको ये सजा नहीं देता, उनको पता है दे कैन गेट अवे विद इट। कोई और रास्ते उनके पास अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के हैं नहीं। स्पोर्ट्स आप कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते, क्रिएटिव एक्टिविटी आप कोई नहीं करते बच्चों के साथ। उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको कहीं यूटिलाइज, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग आप नहीं करते बच्चों की। बेयारो मददगार एक हुजूम फिर रहा है लोगों का, क्राइम गोज अनपनिश्ड ये सीखा हुआ है हमने। आप कह रहे हैं मीडिया, भाई मीडिया मत देखो। मैं भी टीवी पे बहुत सारी चीजें नहीं देखती, मैं तो टीवी पे काम करती हूँ, नहीं ठीक लगती नहीं देखती। बहुत सारे टॉक शोज नहीं देखती जो मुझे लगता है कि यार ये तो फितने वाली बात है, मैं नहीं देखती। मैं नहीं सुनना चाहती ऐसे आदमी को जो दूसरों की बुराइयां करता है और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है, मैं नहीं देखती वो चैनल। क्यों देख रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी बेसिक चीज़ के खिलाफ है? और फिर ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हो? और खुद पढ़ भी नहीं रहे हो, और खुद समझ भी नहीं रहे हो, सीख भी नहीं रहे हो। पर आपको सब समझ आ रहा है जो वो समझा, जो वो कह रहे हैं आप उनको सुन रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि आपको पढ़ना सिखाया ही नहीं है किसी ने। तो ये तो सबसे बड़ा जुल्म इल्म को कैद रखना है और लोगों से दूर रखना, और लोगों से दूर रखना है क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। और ये टू नो द ट्रूथ, मतलब ये मैं सच जानने का ये हमारा हक है बुनियादी हक। मतलब ये तालीम जो अब इतनी महंगी है और जितने कम लोगों को मयसर है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे माशरे में रहेंगे, महफूज माशरे में रहेंगे? आप तहफ्फुज़ की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? अनरियलिस्टिक है ये बात। जहां इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अनजस्टिफाइड है, और वो लोग जो पावर में हैं और जो ये सब अगर बढ़ावा नहीं देते तो कुछ करते भी नहीं उसके लिए, वो ये कैसे सोचते हैं कि ये उनके घर तक नहीं पहुंचेगा? जैसे वो ममालिक जो दूसरों के मुल्कों में घुस के फितना फैलाते थे, फैलाते हैं अभी भी, आज भी हैं। हाँ। वो ये कैसे सोचते हैं कि उनके घर तक नहीं पहुंचेगा? कॉलोनाइज करने के और तरीके ढूंढ लिए, और तरीके ढूंढ लिए आपने, लेकिन आप ये कैसे सोचते हैं कि आपके घर तक नहीं पहुंचेगा? मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, मैनी इयर्स अगो आई रिमेंबर जब ये अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था, यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यू सेड हम 7000 साल पुरानी तहजीब हैं, ये 200 साल 300 साल पुराने लोग आके हमें समझाएंगे। That's arrogance also. No, but ये, और मैंने इसके बारे में फिर सोचना शुरू कर दिया और मैंने वाकई इस पर बहुत रिसर्च की। मेरा फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये क्या कहा था। एंड आई सेड के फिर वो मोहनजोदड़ो की तरफ मैं गई और इंडस वैली सिविलाइजेशन और पहली यूनिवर्सिटी इन तक्षशिला, और मेरा वो सारा बचपन में जो पढ़ा था वो फिर वो ना वो उगना शुरू हो गया मेरे दिमाग में। बट यू आर राइट कि यही हो रहा है कि जो पुरानी तहजीबें हैं उनकी उनको जो महकूम बनाया जा रहा है वो ऑल्सो बिकॉज कुछ कसूर हमारा भी है ना, ऑब्वियसली क्योंकि हम जानते नहीं है। हमने साइंस नहीं पढ़ी, हमने कोई तरक्की नहीं की, हम जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो सब मुस्तार ली हुई है हमने। तो आप कोई चीज़ जब अपने घर में टेक्नोलॉजी ले आएंगे, वो आपने डेवलप तो नहीं की, वो आपके माशरे ने डेवलप तो नहीं की, उस टेक्नोलॉजी के साथ जो बिहेवियरल चेंज आता है वो तो नहीं आया, वो आने में तो बहुत वक्त लगता है। वो हमारी हम अच्छी देखो हम ना हम प्रॉपरली एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं, यू नो, और ना ही हम प्रॉपरली यू नो हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है जिस तरह बाकी, हम अभी बीच में ही रह गए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी हमसे छिन गई और हमारा एग्रीकल्चर भी हमसे छिन रहा है। हाँ, छिन रहा है धीरे धीरे। वो हम नहीं सही मानों में
हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे. बिल्कुल. तो आधा तीतर आधा बटेर जो हम बचपन में सुनते थे उसका मफहूम अब समझ आ रहा है. हम खुद हो गए, हम अब खुद हो गए ना. और हम सही तरह से मॉडर्न भी नहीं है, सही तरह से हम ट्रेडिशनलिस्ट भी नहीं है. बिल्कुल. है ना, हमारे हमारी हम हमने कुछ और ले लिया है अपनी ओल्ड अपनी बुदोबाश में. हमने कुछ मिडल ईस्ट से चीज़ें ले ली, वो हमारी नहीं थी. हमने अपना नहीं पता किया, हमने कुछ बहुत कुछ पीछे हटा दिया कि ये तो उनका है. तो फिर अगर वो रिजेक्ट की हमने अपनी हिस्ट्री, हमने अपनी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, हमने अपना कल्चर, हमने अपना रहन सहन, अपना अपना खाना पीना, अपना ओढ़ना बिछोना. और उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती है कि हमने अपनी हिस्टोरिकल गलतियों को तस्लीम नहीं किया. अगर आप अपनी हिस्टोरिकल गलतियों को तस्लीम नहीं करते, अगर आपकी अना इतनी बड़ी है कि जिनके साथ आपने ज़्यादती की आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते, अगर आपने जो पास्ट में गलतियाँ कर दी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप उनको सीधा नहीं करते और आप इतने एरोगेंट हैं कि आप कहें कि नहीं हम तो फलाने हैं तो हम तो ये नहीं करेंगे, तो आप कभी आपका आगे कैसे ठीक होगा? क्योंकि आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपसे गलती हुई है. फिर वह बार बार रिपीट करेंगे, फिर आप बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि आप उसको बिकॉज आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप बार बार करेंगे. और सच्ची बात यह है कि आप दुनिया में बिल्कुल, अगर आप ऑनेस्टली अपने मुल्क को देखें, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं जो सच बात है, और ये मुल्क चलता अच्छे ही लोगों, अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है. इन द सेंस कि वो कहीं कहीं कोई एक पॉपुलेशन है जो अपना काम पूरा कर रही है जिसकी वजह से बाकी सारा काम भी चल रहा है. हमारे लोग अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, करना नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज्ड भी हैं, इतनी आवाज़ें सुनते हैं, इतनी आवाज़ें सुन रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या उसमें से चूज़ करना है, उन्हें कहाँ जाना है. अगर आप अपने आप को ऑनेस्टली पूरी दुनिया में देखें, किस अहल हैं आप, क्या है आपके पास ऐसा जिसे दुनिया देख के कहे कि यार नहीं वो तो आपका आपका बेस्ट ब्रेन बाकी की सारी दुनिया में काम कर रहा है, आप उसे अपने मुल्क में काम नहीं करने देते, आप उसे रिजेक्ट करते हैं, आप उसे ऑस्ट्रसाइज करते हैं, आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं. वही लोग बाहर जाके जीनियस तस्लीम किए जाते हैं, उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, वो वहाँ जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. ये हमारे सिस्टम में गड़बड़ है क्योंकि हमने अपने सिस्टम को एटीट्यूड में भी गड़बड़ है. हमने अपने सिस्टम को अपने लिए नहीं बनाया ना, हमने वो हाकिम और महकूम की गेम अभी भी खेल रहे हैं. अभी हम खुद अपने आप को कॉलोनाइज कर रहे हैं. हम खुद, काश हम खुद अपने आप को कॉलोनाइज कर लें खुद अपने आप से. लेकिन कर रहे हैं ना. हाँ, बाहर हमने वो सारा कुछ कर लिया ना कि ये अच्छा नहीं है, वो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है. इस तरह कॉलोनाइजर क्या करता है, वो आपकी जबान जबान ले लेता है, आपका कल्चर ले लेता है, आपकी जबान ले लेता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ले लेता है, और आप में जो आपको जो अपने अंदर कुछ भी अगर कॉन्फिडेंस है वो आपसे छीन लेता है, कहे कि आप तो बिल्कुल ही घटिया लोग हैं. वो हमने खुद ही कर लिया ना अपने आप को कॉलोनाइज कि हम तो बहुत बुरे हैं. व्हाट मेक्स यू हैप्पी? व्हाट मेक्स मी हैप्पी? Working, I think I'm happiest when I'm working. And when you're ready? Yeah. Every day in the morning. Every day in the morning. Yeah. आज बदलूँगी. नहीं बदलूँगी तो नहीं. इतना इतना बचपना नहीं रहा अब. लेकिन हाँ कुछ करूँगी. अब जितना खुद कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी. लेकिन अब मैं बिलावजा अपना गुस्सा यहाँ वहाँ नहीं फोकस हो गया. मैं, हाँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी. बस उतना करूँगी. ज़मीन समेट ली है तुमने अपनी. हाँ, मुझे किसी ने कहा जब हमारे यहाँ टर्मोइल आया और एक नया दौर आ रहा था, मुशर्रफ जा रहा था और मैं बहुत परेशान थी. बेनज़ीर हैड डाइड, यू नो, एंड आई वाज रियली वेरी सैड के यू नो अब क्या होगा, यू नो दैट पेन. एंड माई फ्रेंड इन इंडिया इन दिल्ली, इंदिरा वर्मा, शी इज़ अ पोएट, she called me in Canada and said, I know you will be very upset. तो मेरी जान, अपनी ज़मीन समेट लो. Just immediate, जितना कर सकते हो, जिसके साथ कर सकते हो,
जितना अब हमारे इख्तियार में है है ना, तो मुझे वो बात अब रोज दिमाग में आती है, बिल्कुल, जहाँ मैं बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश करती हूँ, फिर इना इंदिरा वर्मा आती हैं और कहती हैं कि अपनी जमीन समेट। हाँ लेकिन ये जरूर लेकिन है इतनी कि भी समेटी नहीं जाती, बिकॉज़ नहीं समेटी जा सकती। और ये भी कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इतना ज़्यादा रिपीट करती हूँ कि कभी मुझे लगता है कि ये मैं मजाक सा लगने लगता है मुझे अपना ही कहा हुआ, लोगों को लोगों के साथ जुड़ना चाहिए आपस में, बहुत ज़रूरी है। Is there anything you want to change about yourself? About myself? Other than your anger? But I think you know, वो तो अब्बू ने कह दिया था। What I want to change about myself? Self doubt. I was just told yesterday, what is this self doubting behavior? So I want to change my self doubt. I want to be more sure of myself. कि ये constantly होता है कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं? हाँ, constantly होता है। तो ये कहाँ से आया है? I don't know. I'm just not too sure that I you know, जैसे मैं कह रही हूँ ना, I don't take credit for what I have become because I was just born in this environment. No, so but I'm you not worked really very hard. I chose the right. You were conscious and you picked up good projects and but उसके साथ साथ वो भी दिल का काम भी किया, theatre भी किया. I worked very hard. इसमें कोई शक नहीं है. बहुत मेहनत की है. And I जब आप अपनी आपकी CV पढ़ी जाए online तो आपका एहसास होता, आपका काम देखा जाए तो you look back and you say, oh God, wow. सितारा और मेहरुन निसा से अब तक एक लंबा सफर तय किया है, बहुत और जिसमें बहुत काम किया, यू नो, मुख्तलिफ काम, थिएटर भी किया है, टेलीविजन भी किया है, बातें भी की हैं, यू नो, लोगों के साथ जाके वर्कशॉप्स भी की हैं, है ना। अभी मैं ढेरकी से एक वर्कशॉप करके आई और क्योंकि आई रिमेम्बर आई कॉल्ड यू एंड यू वर समवेयर इन हैदराबाद मेनी मेनी इयर्स अगो। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं तो हैदराबाद में हमारा पड़ाव है बट हम कहीं और गए थे, शहदादपुर जा रहे थे। ओह गॉड, यू रिमेम्बर दैट? दैट्स अमेजिंग यार, यू हैव गॉट एन एलिफेंट मेमोरी मैन। आई सेड कि मैं तो इसके साथ बात करना चाह रही हूँ, ये कहाँ, यू नो, सो आई हैव ऑलवेज फाउंड यू समवेयर इन सम रिमोट एरिया एंड मेकिंग अ डिफरेंस, इजंट दैट वंडरफुल? ट्राइंग व्हाटएवर इट इज। जिंदगी क्या है? जिंदगी जिद्दोजहद, it's a struggle every day, good one. I enjoy that struggle. I hope that struggle never goes out of my life ever. It's a struggle to be better, it's a struggle to learn something new, it's a struggle to do something new, see something new, be somewhere new. So yeah, it's a on what closure, I think. It's final. Actually, I had never thought about death before Abu. Even though Safdar had died much earlier, my mamu, who was murdered, died much earlier. But I had somehow shut that out. और क्योंकि वो एक अलग मुल्क में रहते हैं और मैं एक अलग मुल्क में रहती हूँ तो चूंकि मैं उनको देख नहीं सकती थी ना तो मैं आई वुड रेफर टू हिम एज इन समबडी हु वाज जस्ट अनदर पर्सन नॉट सफदर मामू, यू नो, हालांकि हम उनके सारे मेमोरियल्स में जाते थे एंड यू नो बहुत आई वाज अवेयर कि वो ये एक शख्स नहीं है बट इन माय हेड आई हैड पुट इट असाइड एंड नेवर रियली थॉट अबाउट हिम बीइंग डेड बट आई थिंक डेथ आई ओनली थॉट अबाउट आफ्टर माई फादर and do you miss him? Terribly. It's quiet. Yeah, there was quiet. So much happening in your house. Yeah, you know, meri khwahish hai before you leave, mera dil karta hai ki Sania apni autobiography likhe. Oh wow! Somebody with my memory, I've forgotten half the things. क्योंकि मुझे मैं समझती हूँ कि जो चीज़ हम नहीं कर रहे,
وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لکھ کے نہیں جا رہے, اور چونکہ انگریزوں نے لکھی ہر چیز, لکھی ہر چیز, بچا کے رکھی ہر چیز, یو نو تاریخ کو بھی لکھا اور ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو بھی یو نو چینجز آ رہی ہیں اس کو بھی قلم بند کیا, ہم نہیں کرتے اور ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور پیچھے بتانا بھی تو ہے نا, کسی نے پڑھنا بھی ہے, کس نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اچھا یہ زندگی ایسی جی گئی تھی. آئی فیل یو شوڈ رائٹ یور فادرز بایوگرافی. ابو واز پلاننگ ٹو رائٹ ہز بایوگرافی. یو شوڈ رائٹ یور اون, بیکاز آئی تھنک اتنا امیزنگ کسی نے جرنی کی ہو, یو نو اٹس این امیزنگ جرنی, کام کے لحاظ سے بھی اور آئی تھنک تھاٹ کے لحاظ سے بھی, کیونکہ یو ہیو لیوڈ یور لائف سوچ کے, ایسے نہیں ہو گئی. ہاں, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ, ہے نا. آئی ایم ویری گریٹ, آئی ایم ایکچولی, اف یو اف دیر از سم تھنگ دیٹ آئی فیل ایٹ دس مومنٹ ان مائی لائف, اٹ از بینگ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی گریٹفل فار دا کائنڈ آف لائف دیٹ آئی ہیڈ, دا فرینڈس دیٹ آئی میڈ, دا پیپل دیٹ آئی ورکڈ ود, دا ورک اپرچونیٹی دیٹ آئی گاٹ. مطلب ایک ایسی جگہ پہ جہاں یو نو, یو ریمبر پی ٹی وی پہ ایک دفعہ ایک دوپٹہ پالیسی آئی تھی, اور اینڈ دیٹ واز ویری ارلی ان مائی کریئر. مائی کریئر ٹو, یو ریفیوزڈ اے پلے. آئی ریفیوزڈ اے پلے اینڈ آئی واز ایبسلیوٹلی نیو, اینڈ ساہرہ کاظمی ہیڈ ریفیوزڈ اے پلے, اینڈ آئی تھنک سبا آلسو ہیڈ ریفیوزڈ, سبا ہیڈ ریفیوزڈ اے پلے, اینڈ all of us had at some point won each others, and you know, we had no problems doing that as because, long as yeah, my character yeah, demanded yeah, it and I would do, I would, you know, uske baad bhi humne aise bahut sare characters kiye jisme agar character ko zarurat hai, but you can't make that a policy in and dictate what can and cannot be won. To mujhe ek bahut bahut bade television ke sath producer the, he had offered me this script which Saira had refused because of the dupatta policy, and they were willing to adjust the script to accommodate my age group. And it's a and she was a very big writer also at that time, and I remember she's a great friend and she's very dear to me also. But I remember her because obviously she was very frustrated because everybody was refusing the serial, I mean her choice of cast was refusing the serial. So when I said ke to acha dupatte ka kya karenge, phir to unhone kaha dupatta todna padega. Maine kaha meri character kyun dupatta odega, you know, she's this independent single mother living her life, doing going for a job, she's a middle class woman, I don't see her wearing a dupatta on the head, like, you know, and I don't, I might if I want to make the character like that and I'm fine with it, and I would absolutely respect a woman's choice if she wants to cover herself, however she wants to cover herself, or however a woman wants to dress, and I think everybody needs to respect that, absolutely, yes, absolutely. Dono mard aur aurat, dono ka haq, dono ka haq hai ki wo jaise apne aap ko covered rakhna chahte hain, covered rakhe, jaisa career chahte hain, absolutely, jaisi zindagi jeena chahte hain, jaise kapde pehenna chahte hain, lekin main isko isliye nahi pehenna chahti sar pe dupatta kyunki ye policy hai. تو شی سیڈ یو نو, اگر تم اس طرح کام ریفیوز کرو گی تو تمہیں کوئی کام نہیں دے گا بیٹے, یور کریئر ول اینڈ. اس وقت میرا دل اتنا خراب ہوا, آئی واز ویری ینگ, آئی واز 19 ایئرز اولڈ, اینڈ آئی سیٹ دیئر اینڈ آئی تھاٹ, وڈ آئی ہیو ایور سیڈ دیٹ ٹو اے چائلڈ, آئی واز اے چائلڈ ٹو ہر, آئی مین ناٹ ریلی اے چائلڈ چائلڈ, بٹ آئی واز چائلڈ ٹو ہر, اور میرا دل بہت ٹوٹا اس بات سے کہ یہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ تو خود بھی ان اس پہ بلیو نہیں کرتے, بٹ ہم کیسے ریگریسو رولز کے ساتھ, ریگریسو ایٹیٹیوڈس کے ساتھ, ریگریشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے سروائیول کا سوال ہوتا ہے. تو بہت میرا دل خراب ہوا. آئی ہیو نیور ورکڈ ود دیٹ رائٹر اگین ایور, بٹ ڈو یو نو, مجھے بھی کہا گیا تھا اور میرا, سب کو کہا گیا تھا, اور میرا کریئر با کافی حد تک اثر انداز ہوا. ریلی میں نے بہت پہلے کام شروع کرنا تھا, مگر مجھے
जब तक वो डिक्टेटर साहब रहे तो नहीं काम मिला था, थोड़ा सा मिलता था, इतना सा मिलता था, मेरे हाथ से स्क्रिप्ट ले ली गई थी, मगर वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं? यस, हम यहाँ हैं. Absolutely. Here we are, and we are here because of the support of the people who watch us and who also somewhere, whether or not they're able to articulate it, agree and believe in the choices that we are making, and they are appreciating those choices quietly also at times. You know, just like that, I always thought that these characters I choose, these are my own choice. I choose them. They are popular or not. लेकिन उन्हीं कैरेक्टर्स पे मुझे अवार्ड्स भी मिले, उन्हीं कैरेक्टर्स पे मुझे इतनी अप्रिसिएशन भी मिली, इतना प्यार भी मिला. अभी कल भी आई वाज आउट शॉपिंग विद माय फ्रेंड्स एंड वो यंग गर्ल्स, मतलब मच यंगर, आई डिडंट इवन थिंक दे वुड बी वॉचिंग अस, एंड उसने मुझे आई कहा कैन आई हग यू, एंड आई वाज लाइक ओ, एंड आई हग्ड हर, इट वाज सो नाइस. दिस इज सो प्रेशियस. इट इज सो प्रेशियस. थैंक यू स्वीटी. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you. It's been a long time since we actually sat down and talked. Yeah. Hai na? Yeah. Ye kyunki hame ye mauke bahut kam milte hain. Yeah, that's so true. Thank you. Thank you.